नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक, और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। इस बुलेटिन में हम बात करने जा रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे भीषण जंग की। देखिए, व्लादिमीर पुतिन और यूएन सेक्रेटरी जनरल की मॉस्को में शिखर वार्ता बेनतीजा रही। रूस ने साफ तौर पर युद्ध रोकने से इनकार कर दिया। अब पुतिन ने यूक्रेन के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। इस पर आगे बातचीत के लिए यूएन महासचिव गुटेरेस कल क्यू पहुंचेंगे और यहां उनकी ज़ेलेंस्की से मुलाकात होने वाली है और वार्ता होने वाली है। लेकिन हालात इस तरह के बन चुके हैं कि युद्ध धुआंधार अब आर्या पार। जारी है धुआंधार युद्ध। नहीं छंट रही है धुंध, पुतिन से हुई यूएन महासचिव की बात, लेकिन बनती नहीं दिख रही है बात। ये तस्वीरें वायरल हैं पुतिन और यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की मॉस्को में कल हुई शीर्ष वार्ता की। मकसद शांति बहाली का ही है, रूस को ये मनाने का कि युद्ध से कुछ हासिल नहीं होने वाला। लेकिन पुतिन इस युद्ध को अपना हक मान रहे हैं। यूएन महासचिव ने खासतौर पर मारियोपोल की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने रूस से आग्रह किया कि वो वहाँ कम से कम कुछ दिनों का युद्ध विराम करे, ताकि स्टील प्लांट में फंसे नागरिक वहाँ से सुरक्षित जगहों पर शरण ले सके। जानते हैं पुतिन ने क्या कहा। पुतिन ने कहा कि वहाँ कई दिनों से कोई गोलीबारी नहीं चल रही है, लोगों को किसी जगह जाने से रोका नहीं जा रहा है। ये यूक्रेन है जो अपने ही लोगों को बंधक बनाए हुए है, ताकि उनका सहारा लेकर अपनी सैन्य ताकत फिर से इकट्ठा कर सके। पुतिन टस से मस होने को राजी नहीं है। पुतिन के मुताबिक लुहांस्क और डोनेट्स को आजादी घोषित करने का अधिकार है। अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन रूस को उकसा रहा है। यूक्रेन में रूसी भाषी लोगों का नरसंहार किया जा रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद रूस को अभी भी उम्मीद है कि मसले का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकल सकता है। शर्त यह है कि यूक्रेन हथियार डाल दे, नेटो उसकी मदद करना बंद कर दे और रूस जो चाहता है उसका शत प्रतिशत ख्याल रखा जाए। जिस वक्त दोनों नेताओं की वार्ता चल रही थी, ठीक उसी वक्त पुतिन की फौज रूस के पश्चिमी बॉर्डर से यूक्रेन पर आग बरसा रही थी। मारियोपोल में पसरे मातम की रिपोर्ट्स आप लोग रोज देख रहे हैं, लेकिन काला सागर के तट पर स्थित इस शहर की दूसरी हकीकत यह है कि यहां अब भी करीब 100,000 आम नागरिक फंसे हैं, जो यहां से पलायन नहीं कर पा रहे हैं। यूक्रेन कह रहा है कि रहम करो, कम से कम बचे हुए लोगों को तो यहां से जाने दो, मतलब युद्ध विराम नहीं तो कम से कम कुछ घंटे के लिए गोली बारूद और मिलिट्री एक्शन पर विराम लगे। पुतिन चाहे जो कहें, यूएन में उनके प्रतिनिधि पहले ही कह चुके हैं कि युद्ध विराम अब कोई विकल्प नहीं है, जैसा कि यूएन में रूस के राजनयिक का बयान आया है। यूएन महासचिव गुटेरेस शांति की कोशिश के तहत कल कीव में ज़ेलेंस्की से मिलेंगे, जहां वो पुतिन के साथ हुई बातचीत और प्रस्तावों का नया मसौदा ज़ेलेंस्की को पेश करेंगे। हालांकि ज़ेलेंस्की के तेवर बेहद तल्ख हैं। ज़ेलेंस्की की इस बात और भावना से यूएन भी सहमत है। पुतिन से मुलाकात में गुटेरेस ने ये साफ कर दिया था, रूस यूक्रेन में जो कर रहा है उसे यूएन अतिक्रमण ही मानता है। लेकिन पुतिन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टे उसने आने वाले 15 दिनों में यूक्रेन को पूरी तरह तबाह करने की कसम खाई है। वो ऐसा कर पाए या न कर पाए, लेकिन आने वाले 10 से 15 दिन ये जरूर तय करेंगे कि ये युद्ध दो देशों के युद्ध तक सीमित रहेगा या विश्व युद्ध ही अंतिम नियति बनेगी। कीव में अभिषेक भल्ला के साथ गीता मोहन, मॉस्को आज तक। तो आइए अब आपको हम 5 बड़े पॉइंट्स के जरिए बताते हैं कि पुतिन ने किस तरह से पलटवार किया है, क्योंकि ये पुतिन का पलटवार है। देखिए, यूएन महासचिव से वार्ता में नहीं बरती है नरमी व्लादिमीर पुतिन ने। पहली बड़ी बात, उनके इरादे को समझिए, आगे बढ़े। दूसरी बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन को भी नतीजा भुगतने की सीधी चेतावनी आने की पुतिन की तरफ से, रशिया की तरफ से सीधी धमकी। और अगले अगर बिंदु की बात कर लें तो तीसरा प्रमुख जो
पॉइंट है वो ये है कि पोलैंड को गैस सप्लाई नहीं देगा रूस। ये बड़ी बात है अपने आप में, यानी कि धमकी का असर पुतिन पर तो नहीं हो रहा है, साफ तौर पर देख सकते हैं। बुल्गारिया को भी गैस सप्लाई देने पर पाबंदी लगा दी है रशिया ने, ये बड़ी बात है अपने आप में। आप यूएन कुछ भी करते रहे, पश्चिमी देश एक तरफ हो, लेकिन इसका असर व्लादिमीर पुतिन पर नजर नहीं आ रहा है। तो ये चार बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट। और अगले अगर पांचवें बिंदु की बात कर लें तो वो ये है कि फिर से दोहराई है लोनास्क और डोनेस्क की आजादी की बात। तो रशिया के इरादे तो क्लियर है, विजन साफ है, टारगेट साफ है कि करना क्या है, क्योंकि ये है व्लादिमीर पुतिन और इनके अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। लेकिन इतना तय है, इतना पता है कि उन्होंने कहा है कि 15 दिनों के अंदर यूक्रेन को कर देंगे तबाह, जिसको जो भी कुछ करना है वो करके दिखाए। चलिए आगे बढ़े, देखिए 63 दिन बीत जाने के बाद भी यूक्रेन में तबाही थमी नहीं है, मंजर हम लगातार दिखा रहे हैं और देख रहे हैं। खेरसन की बात करें तो खेरसन में रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है। आपको अब हम दिखाते हैं जीरो लाइन से आज तक संवाददाता मौसम सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, आप नजर डालें। कुछ इस तरह से यूक्रेनी सेना दुश्मनों पर नजर रख रही है, ये है जीरो लाइन, जी हाँ, जो फ्रंट लाइन कहते हैं, आज तक उस फ्रंट लाइन पर है। हमारे पीछे नीप्रो नदी है, यहाँ पे दो जवान आप देखिए नजर गड़ाए बैठे हैं इस नदी पर। और ये जो मोर्चा है, घर में ये मोर्चा बनाया गया है, क्योंकि यहीं पे रूसी सैनिक पहुंच गए थे बोटों के जरिए, और ये वजह है कि उनको जवाब देने के लिए यहाँ मुस्तैदी से यूक्रेनी सेना मौजूद है। लगातार ये एक फ्रंट बना हुआ है, यहाँ पे आप देखें तो ये जमीन पे जो चीजें हैं उससे आपको पता चल जाएगा। ये देखिए इस्तेमाल कारतूस पड़ी हुई है यहाँ पे जमीन पर, जो इस्तेमाल की गई थी उनको रोकने के लिए, और ये आपको नजर आ जाएंगी उनको रोकने के लिए। और यहाँ पे जो ये मशीन गन है उसको रखा गया है। लगातार ये बात हो रही है कि जो रूसी सेना है उसकी जो सामग्री है और जो उसकी वेपनरी है वो लगभग कई गुना ज्यादा है यूक्रेनी सेना से। और यहाँ पे आप देखिए तैयारी से यूक्रेनी सैनिक, हम एग्जैक्टली पॉइंट नहीं बता सकते कहाँ हम हैं, पर यहाँ पे कुछ इस तरह से इस्तेमाल हो रही है कारतूसे, और पूरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यूक्रेनी सैनिक इस तरह से तैयार बैठे हैं। जहां हम खड़े हैं यहाँ पे यूक्रेनी सैनिकों ने आरोप लगाया है कि फास्फोरस बम का इस्तेमाल हुआ। दरअसल फास्फोरस बम जो है बहुत तेज जब गिरता है उसके बाद तेजी से रोशनी करता है, एक स्मोक स्क्रीन खड़ा करता है ताकि जो फोर्सेस है वो मूव कर सके, और इसीलिए दुश्मनों पर इस्तेमाल होता है। पर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि इससे बहुत गंभीर जलन होती है और इंटरनेशनली ये बैंड है। ये देखिए आपकी यहाँ पे ये सफेद आपको स्मोक जैसा राख जैसा कुछ नजर आएगा, ज्यादा ही सफेद है राख से ज्यादा, और ये लोहे का कुछ इस तरह से एक कैप्सूल की तरह नजर आ रही है, अंदर कुछ भरा हुआ है। और यही नहीं, यहाँ के अलग अलग इलाकों में आप देखिए इस तरफ जैसे जैसे आप इस घर में आगे बढ़ते हैं तो आपको जगह जगह यहाँ पे फॉस्फोरस बॉम्ब जो आरोप लगाए कि ये फास्फोरस बम है, हम ये नहीं कह रहे कि ये फास्फोरस बम है, पर ये आरोप लगा रही है यूक्रेनी सेना कि जब यहाँ पे ये गिराया गया उससे जो है जो लोग यहाँ पे थे उनको बहुत गंभीर क्षति हुई। हालांकि इंटरनेशनली रशिया ने इसको डिनाई किया है और कहा है कि और इंटरनेशनल एजेंसीज जांच की मांग कर रही है, पर जमीन पर लड़ाई जो है वो कितनी भीषण हो गई है ये इस बात का प्रमाण है। पहली बार आप देखिए जमीन पर कुछ इस तरह की जो हकीकत है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन परमिंदर के साथ मौसमी सिंह, खेरसोन आज तक।